भेड़िया और सारस। एक बार जंगल में एक भेड़िया रहता था। वो बहुत ही लालची और स्वार्थी था। वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता था और इसी कारण जंगल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। हर कोई जंगल में भेड़िये से उसके धूर्त व्यवहार के कारण उससे नफरत करता था। एक दिन भेड़िया बहुत भूखा था और वो अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करने निकला। घंटों घने जंगल में घूमने पर आखिरकार उसे एक जंगली मुर्गा दिखाई दिया। वो जोर से मुर्गे पर झपटा और उसे खा गया। मुर्गे को खाते समय मुर्गे की हड्डी भेड़िये के गले में अटक गई। भेड़िया जोर जोर से खांसने लगा, लेकिन उसके गले में अटकी हुई हड्डी बाहर नहीं निकली। खांस खांस कर उसका चेहरा लाल हो गया था। बहुत कोशिश करने पर भी गले से हड्डी बाहर नहीं निकली। वो दर्द से कराह उठा और वो जल्द से जल्द इस दर्द से छुटकारा पाना चाहता था। उसका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वो अपने घर जाते हुए जंगल में हर प्राणी से हड्डी निकालने के लिए मदद मांगने लगा। मेरी मदद करो, अरे कोई तो मेरी मदद करो इस हड्डी को बाहर निकालने में। लेकिन धूर्त भेड़िये की मदद के लिए कोई भी प्राणी आगे नहीं आया। आखिरकार भेड़ियों को झील के किनारे के पास रह रहे सारस के बारे में याद आया। वो सारस के पास जाकर मदद की भीख मांगने लगा और वचन दिया कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे एक इनाम देगा। भेड़िये की हालत देख सारस को उस पर तरस आ गया और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। सारस ने भेड़िये को पीठ के बल जमीन पर लेट जाने के लिए कहा और अपना जबड़ा पूरी तरह से खोलने के लिए कहा। जैसे ही भेड़िये ने अपना मुंह खोला तो सारस ने अपनी लंबी गर्दन उसके मुंह में डाल अपनी चोंच से गले में अटकी हुई हड्डी को बाहर निकाला। आह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गहरी सांस लेते हुए भेड़िये ने कहा। तुम्हें ठीक देखकर मुझे काफी राहत मिल रही है। अब बस जैसे कि तुमने वादा किया था मुझे मेरा इनाम दे दो, खुशी से सारस ने कहा। भेड़िये सारस की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, मेरे प्यारे सारस, तुम्हें तो संतुष्ट होना चाहिए कि तुम जीवित हो। तुम अपनी गर्दन एक भेड़िये के मुंह में डालकर भी सुरक्षित हो, क्या ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इनाम नहीं है? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी गर्दन मेरे मुंह में होने के बावजूद मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया। यही तुम्हारा मेरी तरफ से इनाम है। बेचारा सारस भेड़िये की ये बात सुनकर निराश हो गया और वहां से चला गया। उसने भेड़िये जैसे धूर्त जानवर पर विश्वास करके गलती की। उसे अपनी सीख मिल गई थी। इसलिए हमेशा चालाक लोगों से सावधान रहना चाहिए।